हेलो फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जुवार नू की जू इसकी रेसिपी। और इसके लिए मैंने एक कटोरी जुवार का आटा लिया है, पानी, अजवाइन एक चम्मच, एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच जीरा, दो छोटी चम्मच मिर्च ली है, दो लौंग, दो चम्मच मैंने तिल लिए है, नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम खाने वाला सोडा डालेंगे। ये जो एक बड़ी कटोरी मैंने आटा लिया था तो उसके माप में मैं दो कटोरी के करीब पानी डाल दूंगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा और बाद में डालेंगे, पहले इतना लेके इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबल गया है, तो इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी, जीरा, अजवाइन, तिल और हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप कम तीखा खाते हो तो सिर्फ एक चम्मच जितना डाल सकते हो। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से उबालने के लिए रख दीजिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मैंने 1/4 टीस्पून जितना नमक लिया है। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबल गया है, तो अब मैं इसमें ये खाने वाला सोडा डाल दूंगी। अब गैस ऑफ करके मैं इसमें ये आटा डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हम ये बेलन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसी से ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, दो चम्मच हरी मिर्च मैंने ली थी लेकिन एक ही चम्मच जितना मैंने यूज़ किया है ताकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ से पानी छिड़क देंगे, इस तरह से 2-3 बार करके पानी छिड़क देना है। तो जो पानी हमने ऊपर से छिड़का था इसकी वजह से एक बार हम और इस ये कीचू जो है वो बेलन की मदद से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर सकते हो टेस्ट करके, अगर थोड़ा सा कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हो और अगर ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा आटा ऐड करके बाद में ऊपर से पानी छिड़क देना। तो ये खीचू जो है इसको मैंने छोटी कुकर में बॉईल करने के लिए रख दूंगी और इसको 5 सीटी होने तक हम बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए, ये सीटी हो गई है। ये लास्ट बजने के बाद हम गैस ऑफ, ये कुकर को कम्प्लीटली कूल होने देंगे, उसके बाद ही हम खोलेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से कूल हो गया है, तो अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने पेपर बाउल में इसको सर्व किया है। ये इसका जो मैंने आज जुवार का बनाया है उसी तरह से चावल का आटा लेके भी ये खिचड़ी रेडी हो सकता है और इसको स्ट्रीट फूड के तरह भी खाया जाता है गुजरात में। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में। इसको हम सर्विंग के टाइम पे तेल डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल भी स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसका शो अच्छा आएगा। और साथ में सर्व करेंगे ये अचार का मसाला जो किसी किसी को बहुत ही पसंद आता है खाने में, और कोई लोग होते हैं जिसको सादा पसंद आता है। तो आप साथ में अचार का मसाला
रख सकते हो ताकि जिसको पसंद है वो ले सके। तो आपको मेरी ये ज्वार के आटे से बना खिचड़ा की रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताना और ये ज़रूर ट्राई करना। ज्वार बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ये एक चेंज ऑफ ग्रेन भी होगा आपके हेल्थ रेगुलर फूड में, तो आप ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।